पर पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, आज के इस पावन पर्व पर ऐसे शुभ दिन पर विनय शर्मा जी का और माननीय अशोक वाजपेयी जी का स्वागत करें हो। धानुक समाज के संतोष जी, रोहित जी, सभी हमारे धानुक समाज प्रसाद वाल्मीकि। मैं उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ का प्रांतीय प्रमुख महामंत्री हूँ। सर, आज यहाँ सामाजिक चिंतन एवं दलित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, तो क्या कहना है आपको? हमको ये इस आयोजन पे कहना है कि जो हमारे स्वच्छकार समाज के, दलित समाज के, जो वाल्मीकि समाज के, धानुक समाज के जो हमारे वर्ग के लोग हैं, इनको राजनीतिक लाभ देते हुए एक सदस्य विधान परिषद, एक सदस्य राज्यसभा में जो हमेशा सदियों से होता चला आ रहा है, सभी पूर्व की सरकारों ने एक एक सदस्य राज्यसभा, एक सदस्य विधान परिषद में भेजने का कार्य किया है। अभी इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि व्यवस्था को ठप करके एक भी हमारा सदस्य न विधान परिषद में है न राज्यसभा में है, जिससे हमारे वाल्मीकि समाज की पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उपेक्षा की जा रही है। हमारी समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, इसलिए राजनीतिक लाभ हमें ज़रूरी मिलना चाहिए से प्रेम विवाह करके और सही ढंग से जो मांगे हैं वो मान लेनी। माननीय नगर विकास मंत्री जी के सामने 7 सूत्री मांगे रखी कि जो उत्तर प्रदेश नगर इकसानी निकायों में सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के 55,000 पद रिक्त हैं, उन पे इसी वर्ग से भर्ती की जाए और तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी द्वारा जो 40,000 नियुक्ति करने का शासनादेश जारी किया, घोषणा की गई, उसको तत्काल सरकार प्रभावी करके उनको भरा जाए और बढ़े हुए कार्य क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए और मृतक आश्रितों के जो काम करते करते मर जाते हैं उनके परिवार के लोगों को अभी तक के नौकरी में नहीं लिया गया, आश्रितों को उनको नौकरी में लिए जाने का आदेश तत्काल दिया जाए, ये हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं। स्वागत करके सम्मानित करें राम सिंह वाल्मीकि जी का। मजबूरियों का साल था कि बजट के ऊपर दो, एक तो सातवां वेतन आयोग लागू हुआ, दूसरा